वेलकम टू ऑलमोस्ट टेक। सो गाइस, आज की स्टूडियो में बात करेंगे रियलमी जी टी मास्टर एडिशन जो डिवाइस है, इस डिवाइस में आपको रियलमी यू आई 3.0 का जो अर्ली एक्सेस सेकंड बैच बीटा फॉर्म को यहां पर कब तक लाइव किया जाएगा। काफ़ी सारे यूजर्स यार वेट कर रहे हैं कि हमारे रियलमी जी टी मास्टर एडिशन जो डिवाइस है, इस डिवाइस में सेकंड बैच रियलमी यू आई 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा फॉर्म को कब तक लाइव किया जाएगा। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो भी बनाई थी मेरे चैनल पर, उसमें आपको मैंने कन्फर्म डेट बताई थी। बट यहाँ पर डेट भी आसपास आपको देखने को मिलती है, क्या डेट देखने को मिलती है इस वीडियो में बताऊंगा। एंड यहाँ पर इस अपडेट को आपको किस प्रकार से अपने डिवाइस में रिसीव करना है, एंड आपके डिवाइस में अगर रियलमी यू आई 3.0 का अपडेट देखने को मिल जाता है बीटा अपडेट, तो आपको उसे इंस्टॉल करने से पहले क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, एंड यहाँ पर किस प्रकार से इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकोगे, इस अपडेट से रिलेटेड सारी कुछ डिटेल्स इस वीडियो के साथ प्रोवाइड करूंगा। तो वीडियो को स्टार्ट से एंड तक जरूर देखिएगा ताकि दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बात करते हैं रियलमी जी टी मास्टर एडिशन जो डिवाइस है, इस डिवाइस में आप अगर अपने डिवाइस में रियलमी यू आई 3.0 का बीटा फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आप अपने डिवाइस में इस फॉर्म को अप्लाई करोगे, एंड अगर आपके डिवाइस में रियलमी यू आई 3.0 का अर्ली एक्सेस बीटा अपडेट देखने को मिलेगा, अगर आप उस अपडेट को इंस्टॉल करोगे आपके डिवाइस में, तो उस अपडेट के साथ में आपको कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिलेंगे, जैसे बैटरी ड्रेन इशूज, लैगिंग इशूज, नेटवर्क इशूज, हैंगिंग इशूज, एंड यहाँ पर और भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल सकते हैं आपके डिवाइस में, क्योंकि यहाँ पर एक बीटा अपडेट है। तो आपको यहाँ पर आप अगर अपने डिवाइस में कुछ भी इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो आप इस अपडेट को मिस कर दीजिएगा, आप ऑफिशियल अपडेट का वेट कर लीजिएगा। हाँ, उन यूजर्स के बारे में बात करें कि जिन यूजर्स को अपने डिवाइस में रियलमी यू आई 3.0 का बीटा फॉर्म को अप्लाई करना है, तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। आपको आपके डिवाइस की सेटिंग में चले आना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको सॉफ्टवेयर अपडेट में क्लिक कर देना है। वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको डिवाइस को आपको लेटेस्ट अपडेट में अपडेटेड करके रखना होगा। एंड यहाँ पर आपको राइट टॉप कॉर्नर पर सेटिंग का आइकन देखने को मिल रहा होगा, उस सेटिंग के आइकन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आप क्लिक करोगे तो आपको ट्रायल वर्जन शो होगा, ट्रायल वर्जन पर भी आपको क्लिक कर देना है। फिर वहाँ पर आपको अर्ली एक्सेस शो हो जाएगा, बट यहाँ पर अभी फॉर्म लाइव नहीं हुआ है तो आपको अभी वहाँ पर अर्ली एक्सेस शो नहीं होगा। अगर आपको शो होता है तो उसका भी मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर आपको उस पर क्लिक करना है, फिर आपको कुछ सेकंड्स देखने को मिलेंगे, फिर वहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। फिर वहाँ पर आपको एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको पूछेगा कि ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर से उस फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। इन दो चीज़ों में से आपको एक कोई सी भी चीज़ डाल के वहाँ पर आपको अप्लाई कर देना है। फिर वहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा। फिर वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन के नीचे अंडर रिव्यू में चले जाएगा आपका फॉर्म। अंडर रिव्यू में जाने के बाद आपका जो फॉर्म है एक या दो दिन में आपका अप्रूव या फिर पासड होगा। अप्रूव या फिर पासड होने के बाद आपको आपके डिवाइस में रियलमी यू आई 3.0 का बीटा अपडेट देखने को मिल जाएगा। अगर आपको बीटा अपडेट देखने को मिल जाता है तो यार आपके डिवाइस में आपको उस अपडेट को इंस्टॉल करने से पहले इस बातों का ध्यान रखना चाहिए, आपके डिवाइस में जो भी आपका इम्पोर्टेंट डेटा है, जैसे ऑडियोस वीडियोस फाइल्स, ये सारे आपको कॉपी कर लेना है। अगर Realme UI 3.0 बीटा अपडेट में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है तो यहाँ पर आपका डेटा भी क्लियर हो सकता है। एंड यहाँ पर आपके डिवाइस में 60% से प्लस चार्ज होना चाहिए। एंड यहाँ पर आपके डिवाइस में इंटरनल स्टोरेज 10 GB की फ्री स्पेस भी होना चाहिए, तभी आप अपने डिवाइस में Realme UI 3.0 का अपडेट कीजिएगा। तो यार बात करिए आपके डिवाइस में ये फॉर्म अभी तक क्यों नहीं लाइव किया गया है, कब तक लाइव होगा, क्या फिर रियलमी की ओर से ऑफिशियली कन्फर्म डेट प्रोवाइड की गई है सेकंड बैच बीटा अपडेट की, वो यहाँ पर आपको 4 फरवरी से लेकर 13 फरवरी देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आज 11 फरवरी हो चुकी है, तो यहाँ पर आपको एक या दो दिन, अब एक कल या फिर परसों ये अपडेट आपको आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। अगर आप अपने डिवाइस में इस बीटा फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एक्टिव रहना होगा, आपको ट्रायल वर्जन के सेक्शन पे आपको चेक करते रहना है। एंड अगर इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपको चैनल पर प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।